सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। आज उत्तराखंड में मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि कई गुना बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल है। इस दौरान तमाम निजी परिवहन सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले प्रस्तावित हड़ताल में सिटी बसें, निजी बसें, ऑटो, टैक्सी, मैक्सी, ट्रक और स्कूल वैन भी शामिल हैं। ऐसे में प्रदेश भर में आज स्कूली बच्चों और आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज उत्तराखंड में मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध किया जा रहा है और इसीलिए तमाम जो वाहन चालक हैं वो आज हड़ताल पर हैं। टैक्सियां नहीं चलेंगे उत्तराखंड में, ई रिक्शा नहीं चलेंगे, ऑटो नहीं चलेंगे, यहां तक कि स्कूल बस भी आज हड़ताल पर हैं। स्कूल बस चालक भी आज हड़ताल पर हैं। कुल मिलाकर आज नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में प्रदेश में हड़ताल है और इस हड़ताल का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा, क्योंकि स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कतें होंगी तो सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को भी आज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निजी बस ऑपरेटर्स, टैक्सी मैक्सी संचालकों की आज हड़ताल रहेगी। सिटी बस और ऑटो यूनियन भी आज हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल को ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। और देहरादून का सीधा रुख, जहां पर एबीपी गंगा संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ मौजूद है। अजीत, आज प्रदेश में दिक्कत होने वाली है आम लोगों को, क्योंकि तमाम जो वाहन चालक हैं वो आज हड़ताल पर हैं, विरोध किया जा रहा है नए मोटर व्हीकल एक्ट का। प्राची, देखिए अभी 9:30 बजे हैं और सुबह से अगर हम देखें तो शहर में हमने कई स्थानों का, कई रोड्स का अपना मौका मुआयना किया, तो जो घूमने फिरने के बाद अभी तक तो यही नतीजा सामने आ रहा है कि अभी बंद का मिला जुला असर है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आज स्कूली बच्चों को ही, हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रखे हैं तो अचानक हड़ताल हो जाने से तो बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और बच्चों के साथ ही अभिभावक भी काफ़ी परेशान रहे। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर जो है ट्रांसपोर्ट का, प्राइवेट वाहन आज लगभग थमे रहेंगे। सड़क पर अगर हम देखें तो इक्का दुक्का थ्री व्हीलर कहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरा विरोध मोटर व्हीकल एक्ट में जो मुआवजे की राशि जो बढ़ाई गई है उसको लेकर के है। आज कैबिनेट भी है त्रिवेंद्र सरकार की, तो कैबिनेट में आज ये प्रस्ताव भी लाया जा सकता है कि इसमें कितने सरकार कितना करने जा रही है, चूँकि राज्य सरकारें अपने हिसाब से उस जुर्माने को घटा बढ़ा सकती हैं, ये अधिकार उनके पास है। तो जैसे अभी कल गुजरात ने ही आधा कर दिया है जुर्माना, ऐसे ही दूसरे राज्यों ने भी किया है। तो ये आज इसलिए भी इन्होंने हड़ताल की है कि आज कैबिनेट है, कैबिनेट में आएगा तो उससे पहले जितनी दबाव की रणनीति बनाई जा सकती है वो बनाई ले। बिल्कुल, इसीलिए ये शाम को जो कैबिनेट रखी गई है इसमें प्रस्ताव आएगा। हालांकि जो प्राइवेट वाहन हैं, जो बसेज हैं, और जो आप प्राची ये देखिए कि जो पहाड़ की जो लाइफ लाइन है वो बैक्सी कैब है, वो गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन है, कुमाऊं मोटर संघ है, तो ये जो है ना ये सब प्राइवेट हैं और ऊपर पहाड़ की तरफ रोडवेज बसों का आना जाना काफ़ी कम है। तो इसलिए मैदान में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन पहाड़ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैक्सी कैब और जो प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं उनके रुक जाने से वहाँ फिर यात्रा करने का कोई दूसरा साधन नहीं रहता, तो पहाड़ में इसको लेकर ज़्यादा समस्याएँ होंगी। जो मैदानी क्षेत्र हैं, नगरीय इलाके हैं, तो वहाँ थोड़ा कम होंगी, लेकिन फिलहाल जो ये देखा जा रहा है कि ये अभी मिला जुला असर है। दोपहर तक इसकी क्या परिणति होगी, क्या इसका नतीजा निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक रणनीतिक तौर पर दबाव बनाने के लिए आज एक दिवसीय बंद इन्होंने प्राइवेट मोटर संघ ने किया है। तो अब देख रहे हैं ये कि शाम को होने वाली कैबिनेट में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री कैबिनेट में किस तरह का इस पर अपना निर्णय लेते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्या एजेंडा तैयार किया है, उसमें इनकी जुर्माने की राशि घटाने के लिए कोई भी प्रोविज़न इन्होंने रखा है या नहीं रखा है, तो ये शाम ही तक पता चलेगा। फिलहाल तो दिन भर हड़ताल झेलनी होगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अजीत, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जैसा आपने कहा कि सीधे तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। अजीत, ऐसे में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई तैयारी इस हड़ताल को लेकर, कोई विकल्प जो लोगों को सहारा दे सके? देखिए, चूंकि प्राची ये जानिए कि इनकी हड़ताल जो है इसका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो है एमवी एक्ट में संशोधन कर मुआवजे की राशि बढ़ाना।
और हड़ताल भी सांकेतिक है, एक दिवसीय हड़ताल है। तो इसलिए अभी सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी योजना बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कैबिनेट में वो एजेंडा आ ही रहा है। तो कैबिनेट में सरकार इनको क्या राहत देने वाली है या एज इट इज जो भारत सरकार ने पास किया है उसको जारी करने के लिए तैयारी की है, तो ये एक थोड़ा सा देखने वाला विषय होगा कि शाम तक क्या स्थिति बनती है। फिलहाल चूंकि ये एक दिवसीय है और सांकेतिक हड़ताल है, तो अभी ऐसी बहुत दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है। और शाम तक ये सब चीजें सामान्य होने की स्थिति अगर बनती है वो कैबिनेट के फैसले पर डिपेंड करे। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpgangaट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpgangaट्विटर।